नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने नागरिकों को आह्वान करते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतदान के पर्व में हर मतदाता अपना योगदान दे। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान का प्रावधान किया है। यदि ऐसे मतदाता अपने घर से मतदान करना चाहते हैं तो वे संबंधित बूथ स्तर अधिकारी के माध्यम से फार्म भरे। उपायुक्त अजय कुमार स्थानीय छोटू राम स्टेडियम परिसर में स्वीप अभियान के तहत आयोजित पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन साइकिल रैली के समापन अवसर पर उपस्थित गण को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त अजय कुमार, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, सहायक आयुक्त अंडर ट्रेनिंग अंजलि श्रोत्रिया, साइकिलिस्ट स्वीटी मलिक, रविंदर मलिक और अन्य ने स्वयं साइकिल रैली में शामिल होकर शहर वासियों को लोकसभा आम चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया। उपायुक्त अजय कुमार ने संबोधन में कहा कि हर मतदाता चुनाव का पर्व देश का गर्व में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए आगामी 25 मई को लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान अवश्य करे। चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य के साथ जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास सोहलियान की रिपोर्ट। देश में लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में 6 फेज में 25 मई को मतदान होगा एंड सभी इलेक्टर्स को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए और मतदान प्रतिशत को और इंक्रीज करने के लिए स्वीप के अंतर्गत कई तरह की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और सभी को मैसेज ये है कि 25 मई को ज़रूर अपने मत का प्रयोग करें। अच्छा, और क्या क्या एक्टिविटीज स्वीप के अंतर्गत आयोजित की जाती है? इसमें जितने भी हमारे विभाग हैं उनके अंतर्गत हम एक्टिविटीज़ चला रहे हैं, चाहे वो मतदाता शपथ का आयोजन है, इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो WCD है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स का एक बहुत ही अहम एक माध्यम है जिसके अंतर्गत हम सभी जो जिले के लोग हैं उन तक मैसेज जो है स्वीप का पहुंचा रहे हैं। अच्छा, मत प्रतिशत बढ़े इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कदम उठाया गया, जैसे बुजुर्गों का 85 वर्ष घर पे और दिव्यांग के लिए इस तरीके का? सभी तरह के जो इसमें स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा पोलिंग स्टेशन है उसमें कई तरह की सुविधाएं हैं, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को किस तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए होम वोटिंग का भी इसमें प्रावधान दिया गया। जो भी उसको ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं और वो फॉर्म जो एक वितरित किया जा रहा है BLO के माध्यम से उसमें भर के देते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो होम वोटिंग उनके द्वारा कराई जाएगी। अच्छा, क्या अपील है आपकी जनता से, ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर वोटिंग के लिए? अपील यही है कि जितने भी हमारे ज़िले के मतदाता हैं वो घर से बूथ तक आकर अपना वोटिंग का जो राइट है उसका प्रयोग करें बिना किसी धन या बल से इन्फ्लुएंस हुए और लोकतंत्र के जो इस पर्व में अपना योगदान दें। देखिए, जैसा आप जानते हैं हरियाणा का छठे चरण में चुनाव है जिसकी मतदान की तिथि 25 मई है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोहतक के नागरिक उसमें आकर और बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, जिसके चलते हमने एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर, क्योंकि रोहतक आप जानते ही हैं बहुत ही एक्टिव शहर है, यहाँ पे बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं, यहाँ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हमने एक छोटी सी साइकिल रैली जो शहर के बीच में से आज गुजरेगी हमने प्लान करी है, जिसमें हमारे साथ तकरीबन 300 से 350 साइकिलिस्ट जुड़े हैं जो कि सभी शहरवासियों को और रोहतक वासियों को ये मैसेज देंगे कि हमें 25 मई को घर से बाहर निकलकर जरूर जरूर वोट करना है। उसी कड़ी में हमारी एक स्वीप एक्टिविटी। अच्छा, स्वीप एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है इसके अंतर्गत, क्या क्या एक्टिविटीज़ आयोजित की जा रही है? देखिए, स्वीप एक्टिविटीज़ हमारी पिछले 1.5-2 महीने से लगातार चलती जा रही हैं, जिसमें हम जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी में लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन कराए हैं ताकि बच्चों को मतगणना करने और मतदान करने का फ़ायदा पता चल सके। उसके एडिशन में हमने एक वोटर्स प्लेज भी अभी रिसेंटली दिलाई थी, जिसमें रोहतक वासी अगर हम देखते हैं तो मोर देन 3 लाख
पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट वोटर्स प्लेज, जहां लोगों ने खुद प्लेज लिया है कि वो आगे चलकर जरूर 25 मई को वोट करेंगे और इसी कड़ी में हम आगे चलकर कोई ना कोई और एक्टिविटी करते रहेंगे ताकि 25 मई को हम अपनी पिछली बार से ज्यादा वोटर टर्नआउट बढ़ा सकें। थैंक यू मैम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।